This story is inspired by Zero Aperture Production PVT Limited. Zeppel is a video network dedicated to the untold, overlooked, to tell their stories. मेरा नाम जय पांड्या है. मैं राजकोट से हूँ और मैं एक प्रोफेशनल गोल्फर हूँ. मेरी गोल्फ खेलने की शुरुआत राजकोट से हुई है और 2008 में जब गोल्फ कोर्स की शुरुआत हुई, ओपनिंग हुई, तभी मैंने और मेरे पापा ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और शुरुआत करेंगे गोल्फ खेलने की. मैं 8 साल का था जब मैंने स्टार्ट किया खेलना और मैं सबसे पहला जूनियर था. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ कि किसी को अवेयरनेस नहीं थी. तो गोल्फ की अवेयरनेस ना होने के कारण यहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक टैबू था और एक क्लीशे था कि गोल्फ है जो एक रिच मैन गेम है और एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, तो बच्चे नहीं खेलते हैं. या फिर मैं बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत पैसे वाले लोग खेलते हैं और ये सिर्फ जेंटलमैन खेल सकते हैं और बहुत लिमिटेड लोगों के लिए गोल्फ है. पर ऐसा नहीं है. तो जब मेरी गेम यहाँ राजकोट में अकेले खेल के इम्प्रूव हुई और मुझे जब मौका मिला बाहर खेलने का, तो मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी थी वहाँ पे और इंडिया का बेस्ट गोल्फ कोर्स अहमदाबाद में है. तो मुझे वहाँ खेलने का मौका मिला. बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी और मुझे खेलने का मौका मिला बाहर. और मैं सोचे बिना शिफ्ट हो गया अहमदाबाद. और उसके एक ही साल में मेरे डैड की डेथ हो गई. तो उसके बाद चैलेंजेस काफ़ी थे, पर मेरा सपोर्ट इतना अच्छा था, मुझे सपोर्ट इतना अच्छा मिला लोगों से और इतने अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई गोल्फ खेल के, कि इतना सपोर्ट मिला मुझे सब जगह से कि इट वॉज़ ईजी फॉर मी कि मैं आगे बढ़ सकूँ और मैं जो सबसे अच्छा करता हूँ वो कर सकूँ, मैं जो गोल्फ खेलना है. और गोल्फ मैं नेशनल लेवल पे गया, मैं नेशनल टूर्नामेंट्स खेली मैंने काफ़ी. नेशनल रैंकिंग में मैं नंबर 1 हो गया था 2018 में. और मुझे बाहर खेलने का मौका मिला, देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला. मैं बाहर 7 डिफरेंट कंट्रीज़ में खेलने गया और 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में खेलने गया और काफ़ी मुझे एक्सपोजर मिला, काफ़ी सीखने को मिला बाहर जाके. इसके बाद मैंने प्रोफेशनल टर्न किया और तब से मैं प्रोफेशनल गोल्फ खेल रहा हूँ. तो ये जो टैबू और क्लीशे है कि गोल्फ सिर्फ अमीर लोग खेल सकते हैं और गोल्फ सब लोग नहीं खेल सकते हैं, ये हमें तोड़ना है. ये एक जो ये मानते हैं लोग, वो हमें ब्रेक करना है. इससे ये डॉगमा से बाहर निकलना है हमें. तो मैंने ये सारे चैलेंजेस फेस करे हैं, पर ये चैलेंजेस सर हर स्पोर्ट में होते हैं, हर जगह पे होते हैं. ये एक लाइफ का पार्ट है चैलेंजेस. हमें चैलेंजेस को ओवरकम करना है. और ये जो डॉगमा है कि गोल्फ अमीरों का स्पोर्ट है और सिर्फ बहुत कम लोग खेल सकते हैं और एज की रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है. गोल्फ में कोई भी एज का खेल सकता है और पैसे आपके पास कम हो तो भी आप खेल सकते हैं गोल्फ. और अब बच्चे इन दिनों क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं और सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, पर गोल्फ भी एक ऐसा स्पोर्ट है, इट्स अ लाइफस्टाइल स्पोर्ट. ये खेलने से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. मतलब मैं अपनी लाइफ गोल्फ के बिना इमेजिन नहीं कर सकता अब, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने गोल्फ से सीखी है जो पता नहीं मैं किसी और चीज़ से अगर स्कूल जाता या कॉलेज जाता तो सीख सकता कि नहीं. तो गोल्फ खेलिए और आगे बढ़िए. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप और इसको ज़्यादा आप लोगों में पहुँचाइए, तो लोगों को इंस्पिरेशन मिले और लोगों को खेलने का अपॉर्चुनिटी मिले और एक्सपोजर मिले. यही मेरी इच्छा है. मैंने अपनी डिटेल्स नीचे शेयर करी है, मेरी ईमेल आईडी नीचे शेयर है. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको कोई भी हेल्प चाहिए गोल्फ के लिए तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट आंसर या बेस्ट रिप्लाई कर सकूँ जल्दी से जल्दी. थैंक यू.